अब ये हो गया है, अब इसको निकालेंगे। हमारा प्याज कट गया है, इसके बाद ये काट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी शाम हो रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा कि आज चाउमीन बनाया जाए। तो अभी हम चाउमीन बनाएंगे, सॉरी मैं नहीं, मेरी बहन बनाएगी। तो देखते हैं कि चाउमीन किस तरह बनेगी। और बहुत ही सिंपल साधारण सा चाउमीन बनाएंगे, नॉर्मल प्लेन चाउमीन बनाएंगे आज हम लोग। तो देखिए आज हमारे इस पूरे ब्लॉग को, और आप भी सीख जाइएगा कि चाउमीन किस तरह बनता है। आपको जब भी भूख लगे तो फट से चाउमीन बनाइए और आप लोग भी खा लीजिएगा। तो गाइस देखिए, अभी यहाँ पे कढ़ाई चढ़ी हुई है ओवन में, और कढ़ाई के साथ साथ पानी डल गई है। कितना कितना पानी डाले, कितना लीटर? कितना लीटर नहीं, थोड़ा सा अभी। थोड़ा सा अपना हिसाब से पानी डाल दीजिए। ये रहा चाउमीन, थोड़ा सा खोलने दीजिए। ये वो चाउमीन हम लोग नॉर्मली दुकान से लेके आए हैं 20 रुपया का। तो फिर चाउमीन के साथ साथ आप यहाँ पे प्याज काट सकते हैं। जब तक पानी गर्म होगा तब तक आप प्याज काट लीजिए, प्याज और कुछ मसाले। तो कितना मिनट में चाउमीन बना लोगी? 10 मिनट। 10 मिनट में चाउमीन बन जाएगा। तो सिंपल है, तो 10 मिनट में बनेगा। तो किसको किसको चाउमीन खाना? तो अभी हमारा प्याज कट गया है, इसके बाद ये काट रही है मिर्चा, ये चाउमीन मसाले हैं, ये रहा सॉस। तो जैसा मैंने कहा था कि आज नॉर्मल सिंपल चाउमीन बनेगा, उसी हिसाब से हम लोग मसाले काटेंगे। तो अगर आप में से किसी को भी चाउमीन बनाने आता है तो आप मुझे बताइएगा, सजेस्ट करिएगा कि और क्या क्या प्लेन चाउमीन में डाला जा सकता था। तो गाइस अभी हम लोग, पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें जा रहा है चाउमीन। अब इस तरह चाउमीन को डालने के बाद, मुझे तो चाउमीन बिल्कुल बनाने नहीं आती, नहीं तो मैं ही बना देता। अच्छा, तो सीख लीजिए देखकर। तो ये क्या कर रही हो ये तुम? इसको भी बॉईल करेंगे। कितना मिनट? सिझाने के बाद निकालेंगे इसको। कितना मिनट तक बॉईल करना है? 5 मिनट, ज्यादा नहीं तो गल जाता है। गल जाने के बाद हलवा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग 5 मिनट बॉईल करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा नहीं मतलब सीझने लायक, खाने लायक। यहाँ पे प्याज और मिर्चा काट के रखी है मेरी बहन, और उसके बाद इसमें पड़ेगा इन नाइलॉन्स का, आप मार्केट से लेके आ सकते हो चाउमीन मसाला। और ये फिर रहा किसान का टमाटर सॉस, जीरा पाउडर, ये रहा जीरा पाउडर। इसमें कौन कौन सामग्री डलेगी तो आप देख सकते हैं, जीरा पाउडर और हल्दी, रेड चिली पाउडर और नमक और रिफाइंड ऑयल। ये आप मार्केट से परचेस कर सकते हो, बेस्ट चॉइस का रिफाइंड ऑयल। आपको जो अच्छा लगे आप वो रिफाइंड ऑयल परचेस कर लेना। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरह से आप बॉईल करिएगा। मुझे तो इतना अच्छा से बनाने नहीं आता है, मेरी छोटी बहन को बहुत अच्छा आता है। फर्स्ट टाइम कभी कभी कोई नहीं रहता तो हम बना लेते हैं, वैसे मेरे हाथ से अच्छा बनता नहीं। अभी हो गया है, अब इसको निकालेंगे। तो गाइस अभी ये जो हमारा बॉईल हो चुका है, उसके बाद इसे अलग से बर्तन में छान कर निकाल लेंगे। तो ये देखिए मेरी बहन कैसे निकालेगी अभी। बाद फिर आराम से कढ़ाई को पकड़ कर आप आराम से इस तरह से निकाल लीजिएगा। इसको धो लेंगे, इसके बाद लसलसपन चला जाएगा। ठंडा पानी से धो लीजिएगा। देखिए यहाँ ठंडा पानी से धो रहे हैं। उसके बाद इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा गीला हो गया है। सो गाइस हमारा चाउमीन थोड़ा गीला हो गया है, तो आप ज्यादा गीला ना करेंगे क्योंकि वो फिर हलवा टाइप का बन जाता है। तो देखते हैं कि किस तरह का चाउमीन बना रही है आज मेरी बहन। कुछ इस तरह एक बर्तन में
आप चाउमीन को निकाल कर सुखा दीजिएगा थोड़ा सा, ऐसे हवा लगने से क्या होगा, टाइट हो जाएगी। अब ओवन को ऑन करेंगे, कढ़ाई को अच्छे से पोछ लेंगे। कढ़ाई को पोछने के बाद कढ़ाई को थोड़ा सा हीट होने दीजिएगा। रिफाइन ऑयल डालिएगा, रिफाइन ऑयल अपना कितने एम एल रिफाइन ऑयल डालना है? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा सा चौमिन के हिसाब से अपना रिफाइन ऑयल डालना, तो गरम होने। तेल इसमें है और तेल अभी गरम हो रही है, टाइम नहीं रहेगा। इसको रेडी करके रख ले रहे हैं। तेल गरम हो गया है, तेल गरम होने के बाद प्याज मिर्चा डालिए। प्याज मिर्चा डालेंगे, अच्छा सा फ्राई करिएगा, अच्छा से नहीं मतलब ज्यादा भी जला मत दीजिएगा, नॉर्मल फ्राई करना है प्याज और मिर्चे को। हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, उसके बाद मसाला डालेंगे, उसके बाद चौमिन, बस बन गया। सिंपल ही बना रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पे थोड़ा सा नमक डालेंगे, ना ज्यादा ना कम, बस अपने स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद हल्दी, उसके बाद एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच, हाँ वही, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ज़्यादा नहीं क्योंकि हरा मिर्चा डाले थे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। तो अच्छे से फ्राई करेंगे, कम आंच में फिर फ्राई कर रहे हैं। फिर सॉस डालेंगे, फिर सॉस किसान जी सॉस, फिर जीरा पाउडर हल्का सा, उसके बाद चाउमीन डालेंगे। उसके बाद चाउमीन गीला हो गया है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा चाउमीन गीला हो गया है, आप लोग गीला नहीं करिएगा। चाउमीन मसाला ऊपर से इसको तो गाइस मैंने जैसे कहा कि चाउमीन को ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, टाइट ही रखना है, अगर आप गीला कर लोगे तो इसे फ्राई करने में फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये मेरी बहन क्या पता कैसे गीला कर रही है चाउमीन को, गीला हो गया। ये देखिए हमारा चाउमीन कुछ इस तरह का बन गया है, ये थोड़ा सा गीला हो गया है, कोई बात नहीं, हम लोग इसी तरह इसको खाएंगे आज। वो क्या कर रही है? दे रहे हैं। सो गाइस ये देखिए हमारा चाउमीन बन चुका है, थोड़ा गीला बना है बट ये ठूस ठूस के खा रही है। खाइएगा, आ जाइए।